हेलो एवरीवान एम वेलकम टू एलके के अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आज हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं आपको जी कोचिंग के बारे में बताने के लिए सो लाइक वी ऑल नो दैट जी पी एस फॉर गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक बोर्ड है जिसके अंदर हर साल बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं जिनको दे के गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते हैं इन द स्टेट ऑफ गुजरात सो इसके कुछ फेमस एग्जाम्स है लाइक क्लास वन एंड टू का क्लास थ्री का सो so एज़ वी ऑल नो कि ये जो एग्ज़ाम है ये दो मीडियम के अंदर कंडक्ट होते हैं पहला मोड रहता है गुजराती का एंड दूसरा रहता है इंग्लिश का ना ऐसे लोग जो प्रॉपर गुजरात से बिलोंग करते हैं जिनकी गुजराती मदर टंग है तो उन लोगों के लिए ये एग्जाम गुजराती मीडियम में देना बहुत ही ईजी हो जाता है वाई बिकॉज दे कैन रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज वेरी वेल बट ऐसे एस्पिरंस जो कि गुजरात स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं जिनकी गुजराती थोड़ी सी वीक है हो सकता है कि उन्होंने स्कूल में पढ़ा भी हो बट देन अब उनका इस लैंग्वेज पे इतना अच्छा कमांड नहीं है आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमेशा गुजरात में ही रहना चाहते हैं बट गुजराती नहीं आती है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका ट्रांसफर गुजरात में हुआ है एंड अब उनको यहीं रहना है तो इन सारे केसेस के लिए जो नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बनती है सभी एस्पिरेंट्स के लिए वो ये है कि वो इस एग्ज़ाम को जी के इंग्लिश मीडियम के अंदर अकर कर सकते हैं सो वाई दिस अकेडमी उनका कंप्लीट प्रिपरेशन होगा कि वो जीपीएससी को इंग्लिश मीडियम के अंदर किस तरह से क्रैक कर सकते हैं सो लाइक ब्रूसली हैज वन सेड दैट द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विदर लाइक फोकस सो इवन दो आपकी गुजराती एवरेज है आपका इतना अच्छा कमांड नहीं है इस पे बट स्टिल अगर आपका फोकस क्लियर है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए आपको जीपीएससी एग्जाम ही क्रैक करना है सो वी आर देयर विथ यू थ्रू आउट दिस प्रोसेस सो so, अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे सो विल आंसर सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन एंड डेफिनेटली द फर्स्ट क्वेश्चन इन एवरी वन माइंड वुड बी वाई एल के अकेडमी वेल टू दिस आई वुड लाइक टू से वाई नॉट एल के अकेडमी बिकॉज दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज़ प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर जी पी एस सी इन इंग्लिश मीडियम हम सबको पता है कि जो जी पी एस सी का कोर्स है वो बहुत ही वास्ट है उसके हर एक सब्जेक्ट की डिटेल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस एकेडमी के थ्रू आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है कि किस तरह से आप जी के एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है कौन सा एग्जाम क्लियर करके आप कौन सी पोस्ट को अचीव करते हैं सो so, अगर यहाँ की फैकल्टी की भी हम लोग बात करें तो एक्सपर्टाइज फैकल्टी जीपीएससी कोचिंग क्लासेस लेती है वो लोग खुद प्रलिमिनरी और मेन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं सो so, उनका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बताता है कि क्या अप्रोच रहेगी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप एग्जाम को क्लियर कर सके सो आर फोकस इज ऑन मेकिंग द स्टूडेंट अंडरस्टैंड रदर देन रिमेम्बर फोर्सफुल हम लोग ट्राई करते हैं कि सारे ही स्टूडेंट के लिए ये ईजी बने की किस तरह से वो एग्जाम के लिए अपेयर करें सो देट एवरी कैंडिडेट कैन प्रोग्रेस एंड गेट देयर ड्रीम जॉब सो द नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली वुड बी वाई टू बाय फॉर दिस जी पी एस सी इंग्लिश कोर्स वेल अगर हम स्टडी कंटेंट की बात करें तो सी आपको दो मोड में ये कंटेंट मिलेगा आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं सो so, अगर हम लोग ऑफलाइन मोड की बात करें तो ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस होती है वहाँ पे जो स्टडी कंटेंट रहता है वो पूरा ही अलग है जो आपको बुक्स मिलती है वो गुजराती के लिए अलग होती है एंड जो यहाँ पे बैच रहता है वो गुजराती मीडियम का एकदम सेपरेट है लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे भी सेम है जो आपके वीडियोस रहते हैं जो आपके डेली टेस्ट होते हैं जो असाइनमेंट्स होते हैं वो गुजराती मीडियम के लिए कंप्लीट सेपरेट है एंड जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए पूरा ही अलग कंटेंट रहता है नेक्स्ट इज द फैकल्टी सो लाइक आई हैव सेड कि स्पेशलाइज्ड फैकल्टी हमारे यहाँ पे है जो इस कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर काम करती है अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पे जो फैकल्टी है वो बाहर से बुलाई जाती है कि आपके सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है जीपीएससी के अंदर वो कवर हो सके एंड अगर आप ऑनलाइन भी हमारा कंटेंट देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि जो जीपीएससी इंग्लिश का बैच है वो टोटल सेपरेट रहता है एंड उसकी जो फैकल्टी है वो किस तरह से उनको पढ़ाती है सो so, मोस्टली uh, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही फियर है कि एक मेंस के अंदर जो ये पेपर आता है गुजराती का वो कैसे क्लियर करना है सो so, ऐसे एस्पिरेंट जिनको गुजराती बिल्कुल भी नहीं आती है एंड अगर वो स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी उन लोगों को इस सब्जेक्ट से फ़ियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारी जो फैकल्टी है वो एक्सपर्टाइज है आपको ये कम्प्लीट सिखाने के अंदर नेक्स्ट कम्स एज दी एग्जाम फेज नाउ वी ऑल नो की जो जी पी एस सी का एग्जाम होता है वो तीन फेज के अंदर होता है सबसे पहले प्रिलिमिनरी फॉलोड बाय द मेन एग्जामिनेशन एंड देन द इंटरव्यू प्रोसेस सो यहाँ पे इन तीनों फेज की वन बाय वन प्रिपरेशन होती है कैसे आपको प्री क्लियर करना है कैसे मेन एग्जामिनेशन देना है एंड कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है सो so सेंस हमारी फैकल्टी इन सारे फेज से निकल चुकी है तो वो आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकती है सो वी विल बी देयर विथ यू थ्रू आउट एंड थरली थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस सो जॉब अपॉर्चुनिटी कहती है दैट एज एज अर्ली यू यू स्टार्ट अप्रोच अ स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स योर ड्रीम जॉब तो जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही अच्छा है बिकॉज आप एक फिक्स टाइम पे अपना कंप्लीट कोर्स कवर कर पाएंगे जैसे कि नेल्सन मंडेला कहते थे दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड सो यू ऑलरेडी हैव दिस वेपन ऑल यू नीड टू डू इज टू यूज इट इन सच अ वे दैट यू ब्रिंग दिस चेंज इन द वर्ल्ड सो विल सी द फॉर्मेट की जीपीएससी के एग्जाम का क्या फॉर्मैट रहता है सो so अगर हम लोग इसके एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकता है एंड अगर हम लोग एज लिट की बात करें सो एज लिमिट एंड जो कट ऑफ है दीज आर द मास्टर की आप अगर जीपीएससी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो ये दोनों ही आपको बहुत बेनिफिट दे सकते हैं सो so अगर हम लोग एज लिमिट देखें तो ट्वेंटी से स्टार्ट होती है एंड थर्टी फाइव इनकी एज लिमिट है वो जनरल मेल कैटेगरी के लिए है अगर जनरल फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उनको नेक्स्ट फाइव ईयर का एक्सटेंशन मिलता है दैट इज जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो फोर्टी ईयर्स तक इस एग्ज़ाम को दे सकती है एंड अगर हम लोग एस सी एस टी एंड ओ बी सी की बात करें तो उनको नेक्स्ट फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है सो so, इस एग्ज़ाम की जो मैक्सिमम लिमिट है वो फोर्टी फाइव ईयर्स है अगेन अगर हम लोग मीडियम की बात करें सो वी नो दैट गुजराती एंड इंग्लिश इन दोनों मीडियम के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एंड एग्जाम पैटर्न जो है वो प्रिलिमिनरी मीनस एंड इंटरव्यू रहता है ना अगर पोस्ट की बात करें तो वो लोग जो जी का एग्ज़ाम गुजराती मीडियम के अंदर देंगे वो क्लास वन एंड टू एंड क्लास थ्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं लेकिन ऐसे लोग जो कि जी इंग्लिश मीडियम के अंदर अकर करते हैं वो क्लास वन एंड टू का दे सकते हैं सो so, अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है तो क्लास वन के अंदर जो ऑफिसर पोस्ट है उनमें से कुछ रहती है डेप्यूटी कलेक्टर की डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर की डिप्यूटी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर मिशन ऑफ पुलिस डिप्यूटी डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट एक्सेट्रा एंड क्लास टू के अंदर जो ऑफिसर पोस्ट है उनमें से कुछ रहती है सेक्शन ऑफिसर की स्टेट टैक्स ऑफिसर की तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई पुलिस इंस्पेक्टर एक्सेट्रा नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ सो कट ऑफ इज द गेम चेंजर अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो जी पी एस सी के अंदर आप अगर टू थाउजेंड एटीन के प्रिलिमिनरी की कट ऑफ देखेंगे सो इट वॉज वन ट्वेंटी फॉर द जनरल मेल कैटेगरी आउट ऑफ फोर हंड्रेड एंड अगर फीमेल कैंडिडेट्स के देखेंगे सो इट वॉज नाइन्टी आउट ऑफ फोर हंड्रेड सिमिलरली फॉर दयर टू थाउजेंड नाइनटीन अगर आप कट ऑफ देखेंगे सो इट वॉज वन थर्टी नाइन एंड अगर फीमेल के लिए देखेंगे सो इट वॉज वन ट्वेंटी आउट ऑफ फोर हंड्रेड देन अगर लास्ट ईयर की ही हम बात करें टू थाउजेंड ट्वेंटी के अंदर आप कट ऑफ देखेंगे सो इट वॉज हंड्रेड एंड फिफ्टीन पॉइंट सेवन एट आउट ऑफ फोर हंड्रेड फॉर द जनरल मेल कटेगरी एंड नाइन्टी सिक्स पॉइंट सेवन सेवन आउट ऑफ फोर हंड्रेड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स सो यू सी के जो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट से भी कम रहती है इस एग्जाम के अंदर सो फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ इसके अंदर कम है अगर उनकी एज लिमिट देखें तो भी उनको फाइव ईयर्स की एज एक्सटेंशन मिलती है एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज कि जितने भी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वन थर्ड स्पेशल रिजर्वेशन होता है तो इन सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं वो इस एग्जाम को देके एंड अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज के एक स्टेप और क्लोजर आ सकते हैं सो so, अगर जीपीएससी का एग्जाम क्लियर होता है तो गुजरात पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आप लोग लगते हैं तो हम लोग इसका क्राइटेरिया देखेंगे कि किस तरह से ये रहता है सो so, सी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है उसके दो फेज़ रहते हैं प्रिलिमिनरी फेज एंड द मेन एग्जामिनेशन जो इसका प्री का एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव मोड में रहता है दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर एंड अगर हम इसका मेन का एग्जाम देखेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव मोड में रहता है दैट इज़ वो एक रिटर्न एग्जाम होता है सो so, अगर फर्स्ट पेपर की दैट इज़ प्रिलिमिनरी की बात करें तो उसके अंदर जनरल स्टडीज़ वन एंड जनरल स्टडीज टू रहते हैं दोनों थ्री आवर्स के एंड उनके मार्क्स जो है वो टू हंड्रेड रहते हैं सो दिस इज अबाउट द प्री जो कि कंप्लीट एम के फॉर्मेट में आता है नेक्स्ट जो इसका मेन एग्जामिनेशन है उसमें गुजराती इंग्लिश ऐसे जनरल स्टडीज वन जनरल स्टडीज टू एंड जनरल स्टडीज थ्री ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं सो बिकॉज ऑफ जस्ट दिस वन पेपर बहुत सारे लोगों को इस एग्जाम का फियर है जो कि एक्चुअली फियर करने की बात नहीं है बिकॉज इन सब की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से होती है सो so, अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो थ्री आवर्स का सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है ऑल्सो जब आप मार्क्स देखेंगे तो वन मार्क्स के हर एक सब्जेक्ट रहते हैं सो दिस इज आउट ऑफ नाइन उसके बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है सो so, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो इंटरव्यू है उसको भी इंग्लिश मीडियम के अंदर दे सकते हैं एंड यहाँ पे इंटरव्यू की भी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है सो टोटल थाउजेंड मार्क्स होता है दैट आर कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट इन जीपीएससी नाउ अगर इन सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो जो जनरल स्टडीज वन का पेपर है जो प्रिलिमिनरी के अंदर आता है उसके अंदर चार सब्जेक्ट रहते हैं पहला हिस्ट्री दूसरा रहता है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन थर्ड इज़ कल्चरल हेरिटेज एंड फोर्थ इज जनरल मेंटल एबिलिटी ये चार सब्जेक्ट्स है इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो सफिशेंट टाइम है दैट इज थ्री आवर्स मिलते हैं इसके जो मार्क्स है वो टू हंड्रेड है सो so, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 200 हंड्रेड आते हैं जनरल स्टडीज टू का पेपर है उसका भी सेम पैटर्न रहता है दैट इज 200 200 मार्क्स का होते हैं हैं 50 फ्रॉम ईच तो इसके अंदर सब्जेक्ट रहते इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग जियोग्राफी साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स ऑफ रीजनल नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सो अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो मान लो बाय एनी रीजन सिर्फ टू मंथ्स पहले ही एग्जाम से सिर्फ दो महीने पहले ही अगर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो भी इजीली इसका प्रिलिमिनरी फेज तो क्लियर कर ही सकता है बिकॉज 200 मार्क्स का ये पूरा एक पेपर रहता है एंड इस 200 मार्क्स में से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है एंड अगर आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है सो आउट ऑफ टू हंड्रेड सेवेंटी टू एटी मार्क्स तो कोई भी कैंडिडेट लेके आ सकता है सो so, जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं तो पांच ऑप्शन रहते हैं तो अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर अगर उसको सोचने में ज्यादा टाइम जा रहा है सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ई ऑप्शन दैट इज नॉट अटेम्प्टेड एंड

बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से कि वो पूरा पेपर देख ही नहीं पाते कि क्या क्या क्वेश्चन थे सो so, अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो ईजिली प्रिलिमिनरी फेज तो स्टूडेंट क्लियर कर ही सकते हैं देन नेक्स्ट फेज आता है मेन्स एग्जाम का उसके अंदर जनरल स्टडीज के तीन पार्ट रहते हैं सो so, जो जीएस वन का पेपर है उसमें सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया कल्चरल हेरिटेज एंड जियोग्राफी जीएस टू के सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस एथिक्स इन पब्लिक सर्विस एंड जी एस थ्री के अंदर जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग करंट इवेंट्स ऑफ रीजनल नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अगेंस ये सारे 150 मार्क्स के रहते हैं सो so 50 क्वेश्चन फ्राम ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स सो इसके अलावा तीन और पेपर होते हैं दैट इज गुजराती इंग्लिश एंड एसे राइटिंग तो इन सब सब्जेक्ट्स की डिटेल एंड सिस्टमैटिक पढ़ाई यहां पर होती है सो वट डिटर्मिनेशन सेज इज दैट डूइंग वट नीड्स टू बी डन इवन वन यू डू नॉट फील लाइक इट सो so, बहुत बार ऐसा होगा दैट यू आर डाउन यू आर डिप्रेस्ड आप लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से शुरू करना है कैसे प्रिपेयर करना है किस तरह से एग्जाम क्लियर होगा बट लाइक दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन वे यू हैव टू स्टेप इन टू दिनारियो वे हैव टू टेक द डिसीजन एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन सो आप तैयारी शुरू कैसे करेंगे सो अपार्ट फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक लिंकड इन टेलीग्राम ट्विटर एंड यूट्यूब you can now connect us with our very own online app that is lk academy e-learning app this is the fastest and the easiest mode to approach us आपको प्ले स्टोर पे जाना है और ये ऐप को डाउनलोड करना है जैसे ही आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करते हैं सो यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस जो इस ऐप से रिलेटेड है आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन का होम पेज है एंड वंस अगर आपने ऐप डाउनलोड की तो उसके तुरंत बाद आपको एक बैच में ऐड किया जाता है नेमड एज lk academy कम्युनिटी बैच एक बार आप इस बैच का पार्ट बनते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वेराइटी ऑफ ऑप्शन है अगर आप लोग वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो यू विल सी कि वहाँ पे किस तरह से फोल्डर वाइज सिस्टमैटिक मैनर में सारे ही टॉपिक्स अरेंज है आप कभी भी अपने कन्वीनियंट टाइम पे इन वीडियोस को देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि अगर स्टडी मटीरियल सेक्शन आपको जो चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारी पी डी एफ अवेलेबल है तो जब भी आप फ्री है आप अपने मोबाइल के थ्रू इन पी डी एफ को पढ़ सकते हैं सो so अगर आप किसी भी फोल्डर पर क्लिक करते हैं मान लो अगर आपने स्टैटिक जी के वाला फोल्डर ओपन किया सो यूल सी के आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड सारा ही कंटेंट आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज मैनर में मिलेगा सो यू कैन रीड इट एट एनी टाइम एंड रिवाइज फॉर योर एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अ सेक्शन विच इज कॉल्ड इज लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन तो आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको सब टाइम टू टाइम मिलता जाएगा स्टोर सेक्शन विच इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप इसके स्टोर सेक्शन में जाके देखेंगे तो दिस इज द बैच जिसकी आपको तैयारी करनी है दैट इज जी पी एस सी क्लास वन टू इन इंग्लिश मीडियम तो आप चाहे तो इसका वन ईयर का बैच ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसका लाइफ टाइम बैच के अंदर भी एनरोल हो सकते हैं सो so, जैसे ही आप इस बैच का पार्ट बनते हैं देन आपको जी पी एस सी इंग्लिश मीडियम बैच के अंदर ऐड किया जाएगा उसके अगर आप सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट पी डी एफ उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब आपको कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा सो यू कैन सर्फ ऑल द वीडियोज एंड चेकआउट द डिफरेंट कंटेंट नेक्स्ट कम्स एज द डेली मॉक ऑफ द फुल फ्री टेस्ट सीरीज नाउ ये डेली टेस्ट है जो सारे ही स्टूडेंट्स को फ्री एवरी मॉर्निंग मिलते हैं दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं स्पेशली अगर जी पी एस सी इंग्लिश मीडियम के एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ पे डेली टेस्ट अपडेट होता है सो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो इन दिस टेस्ट सेक्शन एंड यू कैन सी कि हर मॉर्निंग एक डेली करंट अफेयर से रिलेटेड टेस्ट एंड नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपीएससी सबको पता है दैट करंट अफेयर्स इज द मास्टर की जितना स्ट्रांग आपका कमांड करंट अफेयर्स पे होगा उतना अच्छे से आप ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे सो so, आपको सिंपली uh, जिस भी डेट के लिए आप लोग टेस्ट अपेयर करते हैं वहां पे जाके अटेम्प सेक्शन पे क्लिक करना है एंड टेस्ट देना है जैसे ही आप सबमिट करेंगे सो यू कैन सी योर रिजल्ट इसके अलावा अगर आपको कोई भी तरह की डाउट या फिर क्वेरी है तो ऐप के अंदर एक ये चैट सेक्शन है जहां पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं एट एनी टाइम देन कम्स एज दी असाइनमेंट सेक्शन सो टेस्ट एंड असाइनमेंट जो कि डेली मॉर्निंग फ्री है सभी एस्पेरेंट्स के लिए सो so, अगर आप असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे तो असाइनमेंट सेक्शन आपको प्रिपेयर करवाता है आपके इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए यहाँ पे डेली इंग्लिश से रिलेटेड एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड एक मीनस का राइटिंग प्रैक्टिस सेक्शन होता है तो आप डेली यहां पे अपना मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एक रीडिंग कॉम्प्रीशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं सो दिस इज अपडेटेड एवरी डे सो एवरी स्टूडेंट कैन गिव दिस एंड कैन इम्प्रूव देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस सो वट आर द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग दिस डेली टेस्ट एंड दिस असाइनमेंट सो सी यू कैन चेक योर परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे ही आप लोग अपना टेस्ट और असाइनमेंट देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं जो कि आपका स्ट्रांगर पॉइंट है एंड किस एनालिसिस के बेसिस पे आप ये पता कर सकते हैं कि क्या चीज आपका वीकर पॉइंट है देन यू कैन ऑल्सो करेक्ट योर मिस्टेक कि क्या रॉन्ग हुआ था एंड क्या राइट सो यूल इमीडिएटली गेट यूर रिजल्ट द मूवमेंट आप अपना टेस्ट सबमिट करते हैं आपको आपका रिजल्ट मिलेगा सो अगर आप डेली बेसिस पे ये देंगे तो आप लोग देखेंगे कि इन अ स्पैन ऑफ अ मंथ और अ टू यू विल इम्प्रूव ऑन योर स्पीड एंड यू विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी डेफिनेटली एंड देन यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल सो लाइक स्टीव जॉब सेज दैट लर्न कंटिन्यूली बिकॉज देर इज ऑलवेज वन मोर थिंग टू लर्न सो so, हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए बिकॉज जितना ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं हम लोग नई चीज को याद करते रहते हैं अगर आप एक ही चीज को दूसरी बार पढ़ेंगे तो फिर उसमें से कुछ नया सीखेंगे अगेन द क्वेश्चन इज वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट तैयारी शुरू कैसे करें? सो सी उसका क्या अप्रोच रहेगा टोटल एट सब्जेक्ट्स है सो आउट ऑफ दीज एट सब्जेक्ट्स आपको डेली टू आवर्स करंट अफेयर्स को तो देने ही है एवरी डे हमेशा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो स्टडी मटेरियल से वीडियो कंटेंट से करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स है उन सब से डेली टू आवर्स तो आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना ही है एंड वन आवर आपको डेली देना है मैथ्स पे इसके अलावा जो सिक्स सब्जेक्ट्स रहते हैं उन सिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर आपको टू टू का पेयर बनाना है टू सब्जेक्ट्स का एक पेयर मान लो कि आपने पेयर बनाया से हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या फिर जियोग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग का मतलब आप कोई भी दो सब्जेक्ट्स लेके अपने विश के अकॉर्डिंग पेयर बना सकते हैं जैसे ही आपने दो सब्जेक्ट्स लिए तो अब आप आपको वीकली अप्रोच फॉलो करना है मान लो कि आपने ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग ये दो सब्जेक्ट्स लिए तो मंडे से लेके वेडनेसडे तक आपको फर्स्ट सब्जेक्ट याद करना है दैट इज ज्योग्राफी एंड थर्सडे से लेकर सैटरडे तक नेक्स्ट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग संडे को आपको ये दोनों रिवाइज करने हैं सो so, इस तरह से एक वीक के अंदर आप दो सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे तो शुरू करना है वो ऑलरेडी इस मैनर के अंदर ऑर्गेनाइज है कि क्या आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा क्या सेकेंड चैप्टर किस तरह से आपको उसको पढ़ना है सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सीबल एंड वेरी एडवांस इन योर अप्रोच हो सकता है की कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे हो सकता है कि, कि किसी को याद करने में ज़्यादा टाइम जाए, बट आप अगर इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो श्योरली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे अगर आपकी यह मेथोडोलॉजी रहती है तो इन अ मंथ ऑफ एट टू नाइन कंप्लीट जीपीएससी का कोर्स कवर कर लेंगे एंड आपके एग्जामिनेशन से पहले आप दो से तीन बार उसको रिवाइज करने का भी टाइम निकाल पाएंगे सो दिस इज दर प्रोसेस की आपको किस तरह से प्रोसीड करना है अगर इसके बाद भी आपको कोई तरह का डाउट है कोई क्वेरी है और इफ़ यू स्टक इन एनी सॉर्ट ऑफ डायलेमा देन यू कैन ऑलवेज आस्कस इन दैट सेक्शन एंड वी आर ऑल हेयर टू रिप्लाई यू सो यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग वडोदरा एंड सूरत में हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं सूरत के अंदर हमारी तीन ब्रांचेस हैं भटार, अडाजन एंड कतारगाम पे अगर आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर हमारी वेबसाइट पर या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर सो बिफोर साइनिंग ऑफ आई वुड लाइक टू रिको सेंस्टर्न चर्चिल दैट सक्सेस इज नॉट फाइनल Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So we are counting on you and you can surely count on us. Thank you for joining us. Stay tuned, stay safe, keep practicing and keep learning.